और देश के लिए टोक्यो से बड़ी खुशखबरी, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। 18 साल के प्रवीण ने पुरुषों के हाई जंप में 2.07 मीटर की जंप लगाई। पैरालंपिक खेलों में अब भारत के खाते में 11 मेडल जुड़ चुके हैं। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौरव गुप्ता है, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए। गौरव, केवल 18 साल की उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, पैरालंपिक्स में एक सिल्वर मेडल जीतना, प्रवीण कुमार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है? ठीक है, आपने जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इनकी। 18 साल की उम्र में ही इन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता है, पैरालंपिक मेडल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ से मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट, शायद अगली बार गोल्ड भी जीत जाए वो। और 11 मेडल हमारे ओवरऑल हो गए हैं, ये दर्शाता है कि हमारे एथलीट्स पैरा एथलीट्स ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस बार। इनका अचीवमेंट जो है काबिल तारीफ है। और हाई जंप में ये हमारा चौथा मेडल है इस बार, तो इससे पता चलता है कि हमारे पैरालंपिक गेम्स में, जिससे पता चलता है कि हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं वो हाई जंपिंग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हाई जंपर्स में से एक हैं। तो ये एक बेहतरीन अचीवमेंट है। और डेफिनेटली जो है सिर्फ 18 साल की उम्र है, तो उनकी तो हम आगे चल के उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 साल के अंदर हमारे पेरिस में फिर से पैरालंपिक्स होंगे, और वहां मुझे लगता है कि वो और पीक करेंगे और शायद हम गोल्ड की भी उम्मीद रख सकते हैं। फिलहाल एक सिल्वर भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बहुत मतलब खुशी की बात है कि हम पैरालंपिक्स में नए से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और इतने मेडल जीत रहे हैं। ये एक बेहतरीन खुशखबरी है इंडियन भारतीय खेल के लिए। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। भारत का पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रवीण कुमार ने अब हाई जंप में सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता है, और अब कुल 11 मेडल्स भारत के खाते में जुड़ चुके हैं।